Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now see question 17. Question is, if ABCD is a square, ABCD ek square aapko given hai. X and Y are points on side AD and BC. X और Y point है, X जो है वो AD पर है, और Y जो है वो BC पर है. Such that AY is equal to BX. AY क्या है? BX के equal है. तो आपको प्रूफ करना है, angle X AY is equal to angle YBX ही आपको प्रूफ करना है. तो कैसे हम प्रूफ करेंगे? See, तो सबसे पहले, यहां पर क्या बना देता हूं? Figure को construct करता हूं. अब फिगर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या होना होगा, एक स्क्वायर को हमने यहाँ पर बना लिया. अब स्क्वायर की नेमिंग भी कर देता हूं, तो ये हो गया ए बी सी डी. नाउ एडी पर पॉइंट एक्स है एंड बीसी पर पॉइंट क्या है, वाई है. तो वाई यहां पर आ जाएगा. सच दैट कि जब हम मीट करते आते हैं, जब इन्हें क्या कराते हैं, यहाँ पे मीट कराते हैं, तो जब हम यहाँ पे मीट कराएंगे इन्हें, तो यहां पर आ जाएगा से x से मैं यहां पे मीट कराया एंड देन y को यहां मीट कराया मैंने दिस. तो ये आपके आ गए यहां पर bx is equal to ay, ये हमें गिवन है. तो यहां पर मैं लिख दूंगा गिवन के अंदर ये क्या है, गिवन है हमें ए स्क्वायर ए बी सी डी, ए बी सी डी इन विच, जिसमें हम यहां पे लिख देंगे कि ay is equal to bx, ये हमें दिया हुआ है. नाउ अब हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव एंगल xay is equal to एंगल ybx. अब xay कौन सा एंगल है, यानी कि ये वाला एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू ybx यानी कि इस एंगल के. So, मैं यहां पे इस एंगल को क्या ले लेता हूं, दिस एंगल 1 और दिस इज एंगल 2 ले ले. नाउ अब आप यहां पे प्रूफ के अंदर देखिए, प्रूफ में हम यहां किस तरह से करेंगे. नाउ अब प्रूफ के अंदर आप यहां पर जब देखेंगे, तो आप यहां पर दो ट्रायंगल यहां पर ले लीजिए. वो दो ट्रायंगल कौन से होंगे, एक ट्रायंगल हम ले लेंगे यहां पर, अगर मैं से इन ट्रायंगल एक्स ए बी, एक्स ए बी ले लेंगे एंड दूसरा ट्रायंगल हम क्या ले लेंगे, वाई ए यहां पर वाई ए बी, ये हम दो ट्रायंगल ले लेंगे. अब इसके अंदर देखिए, इन दो ट्रायंगल के अंदर यहां पर हमें दिया हुआ है कि एंगल ए फर्स्ट वाले एक्स ए बी, एक्स ए बी यानी कि इस वाले ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, दिस ट्रायंगल. मैं यहां पर हाईलाइट कर देता हूं कि एक्स ए बी की जब हम बात कर रहे हैं, तो एक्स ए बी मतलब दिस वन, दिस ट्रायंगल. और दूसरा वाला कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं, दूसरा वाला मैं ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं, दिस. तो एक्स ए बी यानी जो मैंने ग्रीन पार्ट किया है, उसके अंदर एंगल ए और एंगल वाई ए बी के अंदर एंगल बी, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे. क्यों होंगे, क्योंकि बोथ आर ऑफ 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है. क्यों 90 डिग्री है, क्योंकि ये क्या है, एंगल ऑफ स्क्वायर है. उसके बाद अगर हम देखें ए बी इज इक्वल टू बी ए, ए बी और बी ए दोनों के अंदर है यहां पे, ये क्या हो गई, ये कॉमन साइड हो गई, ये कॉमन साइड. साथ ही हमें यहां पर ये भी दिया हुआ है कि ए एक्स इज इक्वल टू, एज यू कैन सी देयर, ए वाई इज इक्वल टू, अगर हम यहां पे देखें, दिस इज यहां से ए एक्स आ जाएगा, ये बी एक्स, बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई, ये हमें क्या है, गिवन दे रखा है, तो हमने यहाँ पे बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई लिख दिया यहां पर. तो इससे क्या हो गया, इससे यहां पर दोनों ट्रायंगल एक्स ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल हो गए वाई बी ए, वाई बी ए, वाई बी ए के कॉन्ग्रेंट हो गए, ये वाई बी होना चाहिए, मैं इसे करेक्ट कर देता हूं, वाई बी ए यहां पर, क्योंकि सीक्वेंस का भी ध्यान रखना चाहिए जब हम कॉन्ग्रेंसी को प्रूव कर रहे हैं. वाई ए बी, और ये किससे हो जाएगा, राइट हैंड हाइपोटेन्यूस और साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस और साइड, इस वाले कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया से दोनों कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए. अब जब कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए, तो आई कैन से दैट दिस एंगल 3 एंड दिस एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू, यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3,
बाय सीपीसीटी। नाउ अब आप देखिए एंगल, यहां पर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी होगा, क्यों होगा, क्योंकि बोथ 90, और दोनों में से मैं क्या कर देता हूं, एंगल ए के अंदर में से मैं 3 को माइनस करा रहा हूं, एंगल ए में से 3 को माइनस करा रहा हूं, एंगल 3 को, और एंगल बी में से मैं माइनस करा रहा हूं 4 को, तो इक्वल्स में आप इक्वल्स को सब्ट्रैक्ट आ रहे हैं, तो जो रिमेनिंग होगा वो भी इक्वल होगा। तो ए में से जब आप 3 को सब्ट्रैक्ट कराएंगे आपको क्या मिलेगा, 1, और जब बी में से 4 को सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो आपको यहाँ पे क्या मिला, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, ये एंगल 1 इज इक्वल टू 2 आ गया।